नहीं होता, कोई इसी वजह से दिक्कत आती है, लाइसेंस एरर दिखाता है। तो जो मेरी वीडियो पड़ी है लाइसेंस एरर कर ली, वो आप देखें एक बार, उससे सॉल्व हो जाएगी 110%। ठीक है, बाकी आप इसमें देखते रहो क्या क्या करा है मैंने, कैसे कैसे जुगाड़ लगाए हैं। थिंक समझ में आ जाएगा आपके में। और ये मैं जब यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को आप लोग स्लो करके देखें, अगर आपको लग रहा है कि हाँ वीडियो बहुत फास्ट हो रखी है, तो एक्चुअल में वीडियो काफ़ी लंबी है, तो इसलिए मेरे को मैंने फास्ट करके बनाई है। तो आप लोग क्या करोगे, इसको यूट्यूब में एक आता ना स्लो स्पीड का ऑप्शन, जहाँ पे हम वीडियो क्वालिटी चेंज करते हैं, वहाँ पे जाके आप इसको इसकी स्पीड बढ़ा लेना, और वहाँ से सॉरी स्पीड स्लो कर लेना, और ये आपको वहाँ पे सही तरीके से दिख जाएगा कि क्या क्या कर रहा है मैंने, क्या क्या नहीं करा, कौन कौन सी कमांड कैसे कैसे यूज़ करनी है, आपकी समझ में आ जाएगा अच्छे से। ओके फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। बाकी आप देखो, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वैसे अभी जो कमेंट्स में आए काफ़ी लोगों ने बोला है, जिन जिन भाइयों ने मेरे को कमेंट्स करके बोला है, उन पे भी मैं वीडियो बना दूँगा, डाल दूँगा, थोड़ा टाइम दें, वीडियो उसकी भी आ जाएंगी। जिन जिन भाइयों ने कमेंट्स करे ना, जैसे कि मेरी जो ऑटोमेटिक डायमेंशन वाली वीडियो, उस पर काफ़ी सारे बंदों ने कमेंट्स कर रखे, और एनएक्स वाली जो इंस्टॉलेशन वाली उस पर भी, और कहते थे वो एनएक्स लाइसेंस एरर वाली पे भी, और हॉज के ऊपर भी। और मैं आने वाले टाइम में वीडियो में डालूँगा इस पर सिमुलेशन की भी, शायद सिमुलेशन तो खैर इतना नहीं आएगा, लेकिन मोशन की और क्या कहते हैं मटेरियल फ्लो की, असेंबली की, ड्राफ्टिंग होगी, बेसिक एनएक्स की, स्केचिंग की, और सर्फ, बहुत से बंदे भाई कहते हैं सरफेस में काम करने में इश्यू नहीं होता है, सरफेस का फटी फटी आती है, मतलब कि ब्रेक हुई होती है, और एक दूसरे में सरफेस घुसी हुई होती है, मतलब कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती है, और वो सब वीडियो डालूँगा मैं ही करके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और भी हैं इसमें दिक्कत, ड्राफ्टिंग में भी काफ़ी कुछ है, फॉर्मेट सेट कैसे करते हैं, फॉर्मेट कैसे इंपोर्ट करते हैं, वो वीडियो भी मैंने बना रखी है, वो डाल ली बाकी है, उसमें मेरे को वॉइस रिकॉर्ड करनी है बस, वो भी मैं डाल दूँगा, और सिंपल स्केच, स्केच में भी काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं, कॉन्स्टेंट कैसे करते हैं, और ये जितने भी स्नैप पॉइंट्स वगैरह होते हैं इनके बारे में, और एक्सट्रूड में भी काफ़ी कुछ होता है हमारे, असेंबली में भी, मोल्ड विजार्ड, मोल्ड विजार्ड में मैं आपको बताऊंगा भी पार्टिंग लाइन कैसे जनरेट करते हैं, और कोर कैविटी कैसे जनरेट करते हैं, वो भी सब बताऊंगा, उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिएगा, धीरे धीरे सारी चीज़ें डाल दूंगा मैं इस पर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा आपको, सारी वीडियो अवेलेबल होंगी आपके पास, आप देख सकते हैं सारी वीडियो, सारी वीडियो मैं डाल दूँगा, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा आपको। अभी लॉकडाउन चल रहा है एक्चुअली में, मेरे पास अभी थोड़ी दिक्कत है, लैपटॉप नहीं है, तो मैं बनाऊंगा वीडियो सब चीज़ के ऊपर, कूलिंग, हॉट रनर, रनर भी होता है एक
कॉल्ड रनर भी होता है, मैट्रियल फ्लो कैसे करना है और रनर बैलेंसिंग, गेट पॉइंट कैसे कैसे देते हैं, कौन कौन से टाइप के, और फास्ट काम कितना कितना जल्दी काम कर सकते हैं, कितनी जल्दी हम मोल्ड बना सकते हैं प्लास्टिक के और रबड़ के, हॉज की पर्टिक लाइन कैसे निकालते हैं, 3D पर्टिक लाइन कैसे निकालते हैं, बहुत कुछ है यार। अभी तो काफ़ी कुछ बताऊंगा मैं आपको, और बहुत से बंदों को दिक्कत आती है कि भाई कोई भी IGS डाटा आता है उसको हमें उसमें करना होता है कन्वर्ट, सॉलिड कैसे करें, सॉलिड होता ही नहीं है, बहुत से बंदों को दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है ये वाली कि सॉलिड नहीं होता, IGS फाइल सॉलिड नहीं हो पाती है, बहुत लोगों में दिक्कत है, बहुत लोगों में। इसका बहुत ज़्यादा सिंपल तरीका बताऊंगा मैं आपको, एक बार आ जाएगा उस आपके समझ में तो कोई भी पार्ट हो कैसा भी, सरफेस कितने भी ख़राब सही, बिल्कुल ख़राब सही सरफेस, उसको भी आप रिपेयर करके और सॉलिड कर लोगे, बहुत सिंपल है यार, कुछ नहीं है उसमें। बताऊंगा मैं आपको, वीडियो डालूंगा उस पर, देखो आपकी एक थोड़ी बहुत तो बन गया हाँ पोर्शन गाड़ी का, ये अपने बच्चों को खेलने खिलौना बन गया। हाँ ये मैं इस पर कुछ और बढ़िया चीज़ बनाऊँगा, गाड़ी ये थोड़ी SUV बन गई एक्चुअल में, मैं एक स्पोर्ट्स कार बनाऊँगा रेसिंग वाली, ये तो मैंने एक्चुअली 7 सीटर गाड़ी बनाई है, 2 सीटर बनाऊंगा इस बार, जल्द ही बनाऊंगा। चक्कर क्या है उसमें, थोड़ा टाइम लगता है, उसकी स्केचिंग बहुत ज़्यादा, मतलब कि थोड़ा थोड़ा सा बड़े लेवल की स्केचिंग है थोड़ी सी, तो उसको मेरे को भी करने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं कोई ऐसे ये सब चीज़ें कार बार तो डिज़ाइन करता हूँ नहीं मैं, क्योंकि बस ऐसी काफ़ी टाइम से सरफेस में काम भी नहीं किया मैंने, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कर नहीं पाता काम, सरफेस में अच्छे तरीके से कर लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। इवन मैंने काफ़ी काफ़ी जो थोड़े थोड़े क्रिटिकल पार्ट होते हैं उन पर भी काम कर रखा है, सीट मटेरियल के पार्ट पर भी काम कर रखा है, टाइम लगता है थोड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, सबको होते हैं, नेक्स्ट में कोई भी काम ऐसा नहीं है जो नहीं होता, इंग्रेविंग करने, नंबर डालने, मर्ज कराना किसी भी चीज़ को, और इसमें जैसे ऑटोकैड में कोई भी इमेज लेके आ जाते हैं, इसमें इमेज इंपोर्ट करके और किसी के ऊपर रैप करके उसका एक नेगेटिव जो होता है जैसे फ़ोटो वाली, वो भी हम बना सकते हैं, किसी पे ड्रॉ कर सकते हैं, किसी का स्केच, काफ़ी कुछ है नेक्स्ट में। अच्छा लगता है जब काम करते हैं तो नेक्स्ट में नई नई चीज़ें ठीक सीखते हैं, और इसमें मतलब कि मोशन जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि सब चीज़ मूविंग करती है उसमें, सब चीज़ बहुत मज़ा आता है मूव कराते हैं। तो इतनी आपकी बन गई, आगे की आपकी वीडियो उसमें है जो मैंने वो डाल रखी है, मेरा पार्ट नंबर क्या कहते हैं उसका, पार्ट 3 है, इसमें मैं 1st, 2nd और 3 पार्ट डाल रहा हूँ, आप तीनों पार्टों को देखें आपकी समझ में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें, कोई दिक्कत आती है कमेंट्स करें, और किसी के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं, किसी के ऊपर भी आप वीडियो बना आप चाहते हैं तो मेरे को बताएं, मैं उस पर आपको वीडियो बना के दूंगा। ओके सर।
थैंक यू सो मच, बाय दोस्तों।